अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू सिर्स चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है शिनवारी कीमा कढ़ाई। ये कीमा बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही झटपट बनता है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा ट्विस्ट जो एंड पे आपको पता चलेगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई में लिया है हाफ कप ऑयल और ये है अनियन। जो मैंने दो अनियन थे इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। जैसे ऑमलेट के लिए हम लोग अनियन को बिल्कुल बारीक चॉप करते हैं। इसको मैंने ऑयल में डाल दिया है और इसे लाइट ब्राउन होने तक आपने पकाना है। ये मैंने लिया है बीफ कीमा, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। ये बीफ कीमा मैंने डाल दिया इस तरह के लाइट ब्राउन जब प्याज हो गया उसमें। ये थोड़ा फ्रीज़ हुआ था, इसे थोड़ा टाइम लगा अलग होने में, लेकिन अगर आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे भी कीमा है तो आपने उसे हल्की आंच पे दम पे इस तरह रख देना है ताकि उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। ये देखें हमारा कीमा रेड से ब्राउन कलर में जब चेंज हो गया, इस पोजीशन पे हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट तकरीबन मैंने लिए हैं 2 चम्मच भर के। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें आपने डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है। और अब इस पोजीशन पे इसमें डलेगा सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिए 3 टमाटर, ये टमाटर इसमें साबुत ही डल जाएंगे। इसे आपने 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देना है ताकि टमाटर के जो छिलके हैं वो सॉफ्ट होके अलग हो जाएं। देखें 5 मिनट गुजर चुके हैं, ये टमाटर के छिलके फिर खुद ही आपने आसानी से पील ऑफ हो जाएंगे, ये हटा देने हैं। एक एक करके सारे टमाटर के छिलके आपने उतार के अलग कर लेने हैं और उन्हें अच्छे से मैश कर लेना है। अब इसके अंदर जा रही हैं शिमला मिर्च और ग्रीन चिलीज। ये डालने से बहुत ही अच्छी खूबसूरती आ जाती है। अब इसके अंदर जा रहे हैं चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच, धनिया 1/4 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, यह रेड चिली पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लें। सॉल्ट जैसे हमें पता है हम लोगों ने पहले डाल लिया, इसलिए अब इस पोजीशन पर सॉल्ट नहीं डलेगा। ये अब हम लोग इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट ताकि हमारे मसाले बीच में अच्छे से पक जाए। ये हमारा कीमा रेडी हो गया है। इसके ऊपर हम लोगों ने धनिया और जिंजर डाल देना है। अब जो ट्विस्ट था वो ये है कि आपने इसे देना है कोयले का धुआं। मैंने एलुमिनियम फॉल का छोटा सा टुकड़ा बीच में रख दिया और ये कोयले का टुकड़ा अच्छे से चूल्हे पे गर्म करके मैंने इस एलुमिनियम फॉल के टुकड़े पे रख दिया और इसके ऊपर डाल दिया 1 चम्मच ऑयल का। और इसका धुआं इस तरह निकलेगा, आपने फ़ौरन ढक्कन दे देना है। तकरीबन 1-2 मिनट आपने ढक्कन दिए रखना है। अगर आपके पास एलुमिनियम फॉल नहीं है तो आप कोई भी छोटी कटोरी इसके ऊपर रख दें, उसके अंदर कोयला रख दें, कोई मसला नहीं है। और ये हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। और ये कीमा इतने मज़े का बना है और कोयले का धुआं देने से इसका जायका और ही बढ़ गया है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो और अच्छी से लेकर आऊँगी। मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।